सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस. तो आज की वीडियो इज गोइंग टू बी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसी बहुत फेमस दो बुक्स को कंपेयर करूंगी, ठीक है, उनका कंपैरिजन करूंगी, उनके कंटेंट के बारे में बात करूंगी और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेरे हिसाब से इन दोनों में से कौन सी बुक बेटर है, ठीक है, या फिर आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए. इस वीडियो में मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगी, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन इन दोनों बुक्स के बारे में दूंगी. आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ और हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट. बातें बहुत हो गई, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, जो दो बुक्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि बहुत फेमस है अपनी अपनी जगह और अपने अपने स्टेट या फिर शहर में, वो है, एक ये बुक है ल्यूसेंट और दूसरी बुक है ये घटना चक्र, जो कि बहुत फेमस है. और आप देख सकते हैं कि इसको क्या हालत हो गई है इसकी पढ़ पढ़ के, ठीक है. ये है घटना चक्र और ये है ल्यूसेंट, ठीक है. इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ओके. तो इन दोनों की अगर हम प्राइस की बात करें तो इन दोनों बुक्स को परचेज किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो राइट नाउ आई डोंट रिमेम्बर कि इनका प्राइस क्या था, मैंने इसे कितने रुपए में परचेज किया था, बट डेफिनेटली इन दोनों ही बुक्स को मैंने ऑनलाइन परचेज किया था फ्रॉम अमेजॉन, ओके. अब बात करते हैं इनके कंटेंट की, ठीक है. पहले बात करते हैं इनका कि ये बुक कितनी लेंदी है, कौन सी बुक कितनी लेंदी है. आप देख सकते हैं कि जो घटना चक्र है वो थोड़ी सी मोटी है और जो ल्यूसेंट वाली बुक है वो थोड़ी सी पतली है. बट इसमें भी एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि घटना चक्र में सारी चीज़ें, मतलब घटना चक्र में ऐसा कोशिश नहीं की गई है कि सारी चीज़ें एक में भर भर के लिख दी जाएं. घटना चक्र में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, मतलब स्पेस दे दे के लिखा गया है, इसीलिए ये घटना चक्र थोड़ी सी मोटी हो गई है. और अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड वे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेज बचाया गया है, ठीक है, बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और थोड़ा सा भी स्पेस विस्पेस नहीं दिया गया है. देखने में भी ये चीज़, मतलब देखने में भी ये ज़्यादा आईज को अट्रैक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है जब एक ही पेज में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है. एट द सेम टाइम घटना चक्र की बात करें तो घटना चक्र में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अलग अलग दिया हुआ है. ऐसा नहीं है कि एक ही पेज में बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट भर दिया गया है पेज बचाने के लिए, ठीक है, ओके. तो ये बात हो गई. दूसरी बात अगर हम करें कि इन बुक को हम जैसे ही खोलेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसका इंडेक्स देखेंगे, अगर हम ल्यूसेंट का इंडेक्स देखें तो आप देख सकते हैं कि ल्यूसेंट में जो इवन जो इंडेक्स भी है ना, जो कंटेंट वाला पेज है, वो भी 2-3 पन्नों का दिया हुआ है और उसमें भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर इसमें से किसी को एक चैप्टर भी ढूंढना हो ना तो लग रहा है कि उसको बहुत टाइम लगेगा एक भी चैप्टर ढूंढने के लिए. एट द सेम टाइम अगर हम घटना चक्र को देखेंगे तो इसका इंडेक्स देखिए, आपको साफ साफ, आपको जो भी लेसन पढ़ना है वो साफ साफ आपको दिख जाएगा, क्योंकि कम है. और ल्यूसेंट में तो जो इंडेक्स ही है, जो कंटेंट ही है, उसको ही इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर एक चैप्टर इसमें ढूंढना हो इसके इंडेक्स में तो बहुत टाइम लगेगा, ओके. तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि घटना चक्र बेटर है, ठीक है. थर्ड पॉइंट की बात करें, इसके कॉन्टेंट की बात करें, तो घटना चक्र में क्या किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पोर्शन डिवाइडेड है. एट द सेम टाइम ल्यूसेंट में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पोर्शन डिवाइडेड है, ठीक है. बट द पॉइंट इज कि घटना चक्र में जैसे फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायो का पोर्शन है, फॉर एग्जांपल बायो का पोर्शन है, तो उसमें भी चैप्टर्स को डिवाइड करके गया है, विटामिन्स और डिजीजेस के अलग अलग पोर्शन है. एट द सेम टाइम अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में फिजिक्स का अगर दे दिया, फिजिक्स का पोर्शन है तो उसमें चैप्टर्स डिवाइडेड नहीं है, बायो का पोर्शन है तो भी उसमें चैप्टर्स डिवाइडेड नहीं है, बस बायो का पोर्शन है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. अगर मान लीजिए कि बायो का पोर्शन है, आपको उसमें सिर्फ विटामिन पढ़ना है, तो आप घटना चक्र के कॉन्टेंट में देख के समझ सकते हो कि आपको कहाँ पे कौन सा पेज नंबर खोलना है. अगर आप ल्यूसेंट में अगर आप सोचोगे कि आपको विटामिन का पोर्शन पढ़ना है या फिर कोई और भी चैप्टर पढ़ना है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा वो ढूंढने के लिए, क्योंकि इसमें चैप्टर्स को सब डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है. घटना चक्र में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो दिया ही हुआ है, एट द सेम टाइम उनके अंदर के चैप्टर्स को भी सब डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पर भी घटना चक्र मेरे हिसाब से इस चीज़ में भी बेटर है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम जैसे UPSC, BPSC, UPSI, बिहार SI और या फिर और भी किसी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें और आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मॉक टेस्ट, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे परचेज किए जाएँ, तो आप textbook.com के थ्रू सिर्फ 299 रुपीज़ में, जी हाँ सिर्फ 299 रुपीज़ में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है. ये मॉक टेस्ट का प्राइस बहुत कम है,
ठीक है, जैसे कि 299 बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप टेक्स्टबुक की ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप 290 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन और 15,000 प्लस मॉक टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर आपको 30 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए तो आप BRK10 कूपन कोड को यूज़ करके 30 रुपीज़ का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ओके, तो अगर आप किसी भी कंपेटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये testbook.com के मॉक टेस्ट को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, लूसेंट वाली बुक में क्या है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पोर्शन डिवाइड किया गया है, उसमें सारे के सारे, उनको सब डिवाइड तो किया नहीं गया है, चैप्टर दे दिए गए हैं। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर, बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर और केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स, उनको सब डिवाइड नहीं किया गया। उसके बाद क्या किया गया है कि लास्ट में इनसे जो भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में वो दे दिए गए हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि किसी के पास चैप्टर्स पढ़ने का टाइम नहीं है, एग्जाम के टाइम में उसको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं और जो क्वेश्चंस भी दिए गए हैं उनका सिर्फ आंसर दिया हुआ है। जैसे जो से एग्जाम में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत टाइम आपका कंज्यूम करेगा। एट द सेम टाइम अगर घटना चक्र की बात करें तो घटना चक्र में चैप्टर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, और सब डिवाइड किए गए हैं चैप्टर्स को। उसके बाद क्या किया गया है, चैप्टर्स के बाद इनका जो क्वेश्चन आया है जिस भी एग्जाम में, उन चैप्टर से रिलेटेड वो दिया है, प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर दिए गए, उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और फॉर एग्जांपल आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप चैप्टर पढ़ पाओ, तो आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। तो ये फायदा है घटना चक्र में मेरे हिसाब से, जो कि लूसेंट का मुझे एक डिसएडवांटेज मिला कि फॉर एग्जाम डिसएडवांटेज लगा कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है और अगर तो वो चैप्टर्स कैसे पढ़ेगा, ठीक है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स वो कैसे पढ़ेगा, कैसे अगर किसी को छोटा सा ही टॉपिक पढ़ना है वो कैसे ढूंढेगा, क्योंकि इंडेक्स में भी अगर आप देखें इतना ज्यादा इंडेक्स को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि बहुत टाइम आपका कंज्यूम होगा। घटना चक्र से अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है तो आप देख लीजिए वो कहाँ लिखा हुआ है, उसके इंडेक्स में आपको तुरंत मिल जाएगा और आप तुरंत पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ ही गया होगा, मेरे हिसाब से इन दोनों में से बेटर बुक है घटना चक्र मेरे हिसाब से इन दोनों में से बेटर बुक है। और अब बहुत लोग बोलेंगे कि घटना चक्र में इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी सारी गलतियां घटना चक्र में नहीं है, ठीक है। पहली बात तो इस अफवाह पर विश्वास करना छोड़ दीजिए कि घटना चक्र में बहुत सारी गलतियां हैं, पूरी बुक में गलतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही एक दो गलतियों की बात, तो वो हर बुक में हो जाता है, दैट इज वेरी नॉर्मल, तो इतना कुछ ये सीरियस बात नहीं है, ठीक है। इतना कॉमन सेंस आपके, मेरे और सबके पास होना चाहिए कि अगर हर किसी बुक में कुछ ना कुछ गलती होती है, अगर घटना चक्र में एक आध चीज गलत लिखी है तो हम उसको अपने आप से करेक्ट कर ले, ठीक है। तो इतना कुछ बड़ा ये इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो अच्छी बुक है, जो बेटर बुक है मेरे हिसाब से, वो घटना चक्र है। आप लोगों के हिसाब से लूसेंट हो सकती है, ठीक है, और आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन ऑल्सो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और अब जैसे कि हमें पता ही है कि कोरोना फिर से लौट आया है, तो मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा और सैनिटाइजर का यूज करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।